काशी की मेरी नेक्स्ट सीरीज में आप सबका वेलकम है। हर हर महादेव। अभी आप देख रहे हो कि हम लोग काल भैरव के दर्शन करके बस वापस जा ही रहे हैं और फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट काल भैरव के दर्शन करने के जस्ट बाद। गाइस बहुत भीड़ है यहाँ पे। हाँ बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। ये सब कुछ बहुत पास पास ही है, हमें काल भैरव के दर्शन करें और वॉकिंग डिस्टेंस पे ही हम लोग सीधा निकल गए हैं मणिकर्णिका घाट की तरफ। पतली पतली सी गलियाँ हैं, वैसे तो साइन बोर्ड लगे हुए हैं बट आप मैप का ना यूज़ करते हुए वहाँ के लोगों से पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज आप गलियों में खो भी सकते हैं। एंड जब आप मणिकर्णिका घाट पहुँचोगे आपको एक अलग से ही सराउंडिंग देखने को मिल रही है। घाट से आप लोग सीधे सीधे स्ट्रेट स्ट्रेट आओगे तो ये कुंड आपको दिखेगा, ये विष्णु जी ने बनाया था। क्या ये विष्णु जी के लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे। कुंड काफी पुराना लग रहा है मेरे को, कुंड काफी पुराना है। अभी हम लोग थोड़ा सा मणिकर्णिका घाट को एक्सप्लोर कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी बहुत कुछ है, अलग अलग लोगों की अलग अलग कहानी है। ये मंदिर देखो नीचे दबा हुआ है, बोलते हैं इस मंदिर में कोई भी नहीं जाता लेकिन सब तो जा रहे हैं। श्रापित है ना ये मंदिर, ऊपर ही है ये मंदिर, श्रापित क्यों है? होगा श्रापित नहीं, हमको तो यही जानना है ना। हमको क्या करना है, हमको थोड़ी पता है क्या होगा। हमारा बोट चलना चाहिए। ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है, रत्नावय दासी ने इसको बनवाई रही। कौन सी जाति ने? रत्नावय दासी की होलकर ने बनवाई रही। अच्छा, बट श्रापित क्यों? इसके पीछे एक स्टोरी है, पता है? श्रापित नहीं है मंदिर। गाइस अब जो ये मंदिर देख रहे हो ना, वो आधे से ज़्यादा टाइम, मतलब अगर गंगा का बहाव काफ़ी अच्छा होता है तो ये गंगा के पानी में ही डूबा रहता है, इसका एक हिस्सा। एंड आधे से ज़्यादा टाइम जो आइडल है महादेव जी है वो भी पानी में गंगा जी में ही रहते हैं। गाइस आप देख रहे हो साथ में मेरे मणिकर्णिका घाट है पीछे, एंड उसी के साथ में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है, एंड वहीं पर महादेव की हम लोग पूजा करते हैं और वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बट एक चीज़ बहुत अजीब सी लग रही है जो हमेशा से खटक रही है, मतलब जब से मैं यहाँ पे आई हूँ। एक तरफ हम लोग चिताएं जला रहे हैं और एक तरफ मतलब हमारा खुशी का माहौल होता है, गंगा आरती हम लोग अटेंड करते हैं। आप लिटरली यहाँ पे डेथ को अपने सामने सामने फील कर सकते हो। यहाँ पे जिस तरीके से मतलब डेड बॉडीज़ वो लेकर जाते हैं, मतलब अब उनके लिए वो एक काम बन चुका है बट हमारे लिए वो ऐसा था कि मतलब अब डेथ को लिटरली आप फील कर पाओगे। मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कुछ भी, बट बहुत अजीब सा लग रहा है। जब से मैं उस घाट से निकली हूँ मणिकर्णिका घाट से, तब से बहुत अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब फीलिंग आ रही है। एंड पता नहीं ये फीलिंग कैसे जाएगी, बट आज सामने से फर्स्ट टाइम मैंने अपने डेथ को इतने करीब से देखा है। सामने मेरे कम से कम नहीं तो 10-15 डेड बॉडीज़ जल रही थी। एंड बट बोला जाता है अगर आप काशी में आए हो तो स्वयं महादेव आपको यहाँ पे लेने आते हैं और जिनकी डेथ काशी में होती है उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये भी एक कहानी है या फिर ये सत्य है जो हमें सुनने को मिलता है जब भी हम काशी आते हैं। बट बोला तो ऐसे ही जाता है कि महादेव की नगरी है एंड महादेव स्वयं आते हैं यहाँ पर लेने के लिए। गाइस हम लोग मणिकर्णिका घाट से सीधा आ गए हैं काशी विश्वनाथ टेंपल की तरफ, जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है जिसके दर्शन करने के लिए अभी हम लोग जा रहे हैं। एंड यहाँ पे फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, बट एक ही द्वार है जिससे आप फ़ोन थोड़ा सा अंदर लेके जा सकते हो, जो मैंने वीडियो की क्लिप में बताया हुआ है, एंड में आपको पता लगेगा। एंड वहाँ से आप फ़ोन ले जाके अपनी एक फ़ोटो यहाँ पे मंदिर में खिंचवा सकते हो या निकाल सकते हो। गाइस सो जो गेट नंबर 1 है, जो गंगा द्वार, जो एक नया कॉरिडोर यहाँ पे बनाया गया है, बिल्कुल नया बना हुआ होगा,
वहाँ से ही मेन एंट्री से आप जो फ़ोन है वो मंदिर के अंदर तक लेके जा सकते हो और अंदर ही जमा करा सकते हो। Hey guys, so दर्शन हो गए हैं एंड ऑलमोस्ट 2 घंटे लग गए दर्शन करने में। गेट नंबर 1 से हम लोग आए थे। आप मंदिर तक फ़ोन लेकर आ सकते हो, फिर यहीं पे पास में लॉकर है, आप वहाँ पे अपना फ़ोन मोबाइल वगैरह जो भी आपको छोड़ना है वो छोड़ सकते हो। पर्स इज़ अलाउड नहीं है एंड ये सारी चीज़ें आपको भारी रखकर आनी पड़ेगी, बट फ़ोन आप अंदर तक लेकर आ सकते हो ताकि एक मंदिर का फ़ोटो निकाल सको अपने लिए। और इसी के साथ साथ हमारे दूसरे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कम्प्लीट होते हैं। हर हर महादेव। फाइनली गाइस मेरे को आलू वाले गोलगप्पे मिल गए और स्पेशली आलू का मसाला मेरे लिए बना रहे हैं एंड फिर मैं गोलगप्पा खाऊंगी। बहुत टाइम से वेट कर रही थी मैं इन आलू वाले गोलगप्पों का। गाइस ये विश्वनाथ चाट भंडार एंड यहाँ के गोलगप्पे फाइनली आलू वाले मिल जाएंगे एंड काफ़ी टेस्टी गोलगप्पे हैं। और ये देखो यहाँ पे टमाटर चाट खाई जा रही है, कैसी है? मस्त है, सच में मस्त है, जेन्युइन फीडबैक, सच में अच्छी है। और मैंने अपने लिए टिक्की ऑर्डर करी है तो वो टिक्की भी खाएंगे। गाइस हमने साड़ियों की शॉपिंग करी, सूरज को घर के लिए साड़ी खरीदी थी, उसने साड़ी खरीद ली और अभी हम लोग जा रहे हैं ऊना वाले रास्ते पे। ये तो पता नहीं चल रहा ये कहाँ से आ गए हम। सो गाइस काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास ही अन्नपूर्णा मंदिर है जहाँ पे आप खाना खा सकते हो, वो भी फ्री में अगर आपको अन्न ग्रहण करना है तो। एंड उसके बाहर ही गौडलिया मार्केट है, वो एक्सप्लोर कर रहे हैं हम लोग। सो वी आर बैक एट हॉस्टल एंड हमने यहाँ पे डिनर कर लिया। डिनर कॉमनल डिनर था तो मे बी शायद आई एम 90% श्योर कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट था। आई एम नॉट श्योर 100% कि कल वो हमसे चार्जेस ना ले लें, बट फिलहाल हम लोग जैसे ही विश्वनाथ टेम्पल से दर्शन करके निकले थे हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी एंड देन वी जस्ट रिटर्न्ड टू दी हॉस्टल बिकॉज बहुत थक गए यार। मतलब हमने गेट नंबर 1 से किया था एंट्री एंड वहाँ पर बहुत चलना पड़ा और ऑलमोस्ट 2 घंटे का लाइन लग गया था। तो उसके बाद दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोग मणिकर्णिका घाट पर थोड़ी देर बैठे और अपने अपने आप के आई डोंट नो व्हाट टू से, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, बट कुछ मूवमेंट्स थे जो हमने वहाँ पे जिए एंड वहाँ पे वो कुछ मूवमेंट और टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद हम लोग वहाँ से खा पी के थोड़ा बहुत आराम से घूम घाम के यहाँ पे अपने हॉस्टल में रिटर्न हो गए। एंड प्लान ये है कि हम लोग रात को शायद गेट नंबर 4 से एंट्री लेके मंगल आरती के लिए जाएंगे। होपफुली यहाँ पे भीड़ ना हो बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि ज़्यादा भीड़ होगी। अगर भीड़ होगी तो शायद हमें विदाउट पास जो 500 रुपीज़ का टिकट लगता है वो लेना पड़ेगा बिकॉज यहाँ पे उसके अलावा एंट्री नहीं मिलती है। बिकॉज रात में बोलता है कि भीड़ हो भी सकता है ज़्यादा हो, भीड़ हो भी सकता है कि कम हो, तो इट टोटली डिपेंड्स कि आजकल सीन क्या है। एंड महाशिवरात्रि आ रही है तो मे बी शायद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भीड़ हो सकती है, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स सी। अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग रेस्ट कर रहे हैं एंड मिलेंगे 2 बजे हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।